तो क्या आप भी जानना चाहते हैं कि पोस्ट कोविड पीरियड में वो कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जो आपको बेस्ट रिटर्न दे सकते हैं? तो क्योंकि मार्केट में पहले से बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनको लेकर लोग अक्सर कन्फ्यूजन में रहते हैं कि किस स्कीम में इन्वेस्ट करें, किस में ना करें। और अब तो कोविड 19 की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस को रीस्ट्रक्चर करना पड़ रहा है, इसलिए हमें और भी ज़्यादा एहतियात बरतने चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इसलिए आज जो मैं आपसे म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूंगा, तो मैं आपको पॉइंट वाइज डिटेल में बताऊंगा कि वो म्यूचुअल फंड क्यों बेस्ट हैं और हमें क्यों उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं हूं प्रशांत शर्मा और चलिए शुरू करते हैं। तो जिन फंड्स के बारे में मैं आज आपको बताना चाहता हूं वो फंड है निफ्टी इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड के चार पार्ट हैं, पहला निफ्टी, फिर इंडेक्स फंड डायरेक्ट और ग्रोथ। अब मैं आपको डिटेल में पॉइंट वाइज बताता हूं कि निफ्टी क्या होता है और बाकी चीजें इसमें क्या होती हैं। तो निफ्टी के बारे में आपको ज्यादा लोगों को पता होगा कि निफ्टी जो है वो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का ग्रुप है, जिसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन या फिर मार्केट वैल्यू के हिसाब से कंपनीज को 1 से लेकर 50 तक रैंक किया जाता है। और जो इंडेक्स फंड होते हैं ये किसी ना किसी इंडेक्स को फॉलो करते हैं, तो और जो कंपनीज उस इंडेक्स के अंदर आती हैं प्लस जो उनकी वेटेज होती है कंपनीज की, उसके हिसाब से ही उन फंड्स में इन्वेस्ट होता है, उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है। तो अगर हम बात करें निफ्टी इंडेक्स फंड की, तो अगर हम अपना पैसा निफ्टी इंडेक्स में लगाते हैं तो हमारा पैसा ऑलरेडी इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में ऑटोमेटिक इन्वेस्ट हो जाता है और हमें ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमारा जो पैसा है वो कौन सी कंपनी में जाके इन्वेस्ट हो रहा है, वो अच्छी कंपनियां हैं या खराब कंपनियां हैं, तो उसकी चिंता करने की हमें कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। और कुछ जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो सेक्टर्स के लिए काफ़ी कंसर्न रहते हैं कि हमारा जो पैसा है वो इकोनॉमी के कौन कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्ट हो रहा है, तो अगर हम निफ्टी इंडेक्स की बात करें तो ये इकोनॉमी के सारे ही सेक्टर्स को कवर करता है, जैसे कि FMCG है, IT है, फार्मा है, सारी ही जो सेक्टर्स हैं उसकी कंपनीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं। अगर हम आज की बात करें तो निफ्टी इंडेक्स के अंदर SBI बैंक भी आता है, HDFC भी है, उसके अंदर ITC भी है और बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि मारुति सुजुकी वगैरह, ये सारी ही कंपनियां हमें इंडेक्स फंड के अंदर इसमें मिलती हैं। और इससे क्या होता है कि हमारा एक तो पोर्टफोलियो जो है वो वेल डाइवर्सिफाई रहता है और रिस्क भी बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हम निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं ये हमेशा ही इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का ग्रुप रहने वाला है, चाहे हम आज की बात करें या आज से 10 साल की बात करें। क्यों? क्योंकि हर 6 महीने बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE इन कंपनीज का रिव्यू करता है और चेक करता है कि करंट डेट के हिसाब से इन कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन क्या आ रही है, और जो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है उसकी रैंकिंग इंक्रीज होती जाती है और जो कंपनी खराब परफॉर्म करती है उसकी रैंकिंग गिरती जाती है, और अगर कोई कंपनी ज्यादा ही खराब परफॉर्म करती है तो वो निफ्टी 50 से बाहर हो जाती है और उसकी जगह कोई और अच्छी कंपनी ले लेती है। तो इसलिए हमेशा ही ये इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का ही ग्रुप रहता है। और दूसरी बात, ये जो इंडेक्स फंड होते हैं ये बिल्कुल लो कॉस्ट म्यूचुअल फंड होते हैं और इनको पैसिवली मैनेज फंड भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पोर्टफोलियो मैनेजर हैं उनको कोई ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पहले से ऑलरेडी कंपनी फिक्स है कि ये टॉप 50 कंपनीज हैं, इनमें इन्वेस्ट करना है, ये इनकी वेटेज है, 10% पैसा टॉप नंबर 1 कंपनी में जाएगा मान लीजिए, दूसरी में 9%, तीसरी में 8%, तो इस तरह से पहले ही सारी चीजें फिक्स रहती हैं और उनको बार बार शेयर खरीदने बेचने नहीं पड़ते, बार बार उन्हें कोई रिसर्च एनालिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इन फंड्स को मैनेज करने की कॉस्ट भी काफी कम रहती है, जिसको हम एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। तो इन फंड का एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम होता है। और अब हम बात करते हैं डायरेक्ट स्कीम की। तो म्यूचुअल फंड की स्कीम जो होती है वो 2 टाइप की होती है, एक होती है डायरेक्ट और एक होती है रेगुलर। डायरेक्ट का मतलब होता है कि आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसमें कोई भी बीच में एजेंट इन्वॉल्व नहीं है, और रेगुलर स्कीम का मतलब होता है कि आप किसी एजेंट के थ्रू इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो बट ऑब्वियसली कि जब कोई एजेंट बीच में इन्वॉल्व हो जाता है तो कंपनी को उसको कमीशन पे करनी पड़ती है, इसलिए रेगुलर स्कीम का जो एक्सपेंस रेशियो है वो इंक्रीज हो जाता है। और अगर हम आज एक एवरेज की बात करें तो डायरेक्ट स्कीम के अंदर एक्सपेंस रेशियो 0.1% से 0.5% का होता है, और वहीं रेगुलर स्कीम के अंदर ये
2.5% का हो सकता है। इसलिए हमें डायरेक्ट स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जो एक्सपेंस रेशियो है वो हमारे म्यूचुअल फंड की रिटर्न को डायरेक्टली हिट करता है। कि मान लीजिए आज किसी फंड के अंदर हमें 15% की रिटर्न मिलती है, लेकिन अगर उसके अंदर 2% का एक्सपेंस रेशियो कट जाता है तो जो हमारी एक्चुअल रिटर्न है वो सिर्फ 13% की ही होगी। और अब बात आती है ग्रोथ स्कीम की। ग्रोथ स्कीम में क्या होता है कि जो भी कंपनीज में हम इन्वेस्ट करते हैं, चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू चाहे डायरेक्ट शेयर्स के थ्रू, तो साल के एंड में कंपनीज डिविडेंड हमें पे करती हैं। तो म्यूचुअल फंड के अंदर भी दो टाइप की स्कीम होती हैं, जिसको हम एक को बोलते हैं ग्रोथ और एक को बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड में क्या होता है कि जो भी कंपनीज डिविडेंड पे करेंगी वो आपके बैंक अकाउंट में आपको मिल जाएगा। और ग्रोथ ऑप्शन के अंदर क्या होता है कि जो भी डिविडेंड कंपनी पे करती है उसको उसी फंड में री इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो अगर हम ग्रोथ स्कीम के अंदर लेते हैं तो हमारा पैसा जो भी डिविडेंड के थ्रू आएगा उसके थ्रू भी हम उसमें दोबारा से री इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड के लिए हमेशा से ये कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड हमें थोड़े से लंबे समय के इन्वेस्ट करने चाहिए, और अगर लंबे समय के साथ साथ हम उसमें ग्रोथ ऑप्शन भी ले लेते हैं तो कंपाउंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है, और इसलिए जो हमें रिटर्न्स हैं वो और बेटर इसमें मिल सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम निफ्टी इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ को समराइज करें तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के ऊपर ये हमें एज देता है कि इसके अंदर एक तो लो कॉस्ट फंड है हमारा, बहुत कम एक्सपेंस रेशियो आते हैं, हमारा जो पोर्टफोलियो है वो वेल डाइवर्सिफाई रहता है कि सारी कंपनीज हमें अच्छी अच्छी मिल रही हैं। प्लस क्या है, ऑटोमेटिक कंपनी शफल होती हैं हर 6 महीने बाद। जैसे आपको बताया मैंने, एनएससी वाले जज करते हैं कि किस कंपनी को निफ्टी में रखना है, किसको नहीं रखना है, किसकी रैंकिंग क्या रखनी है, तो हमें कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कुछ खराब कंपनियों में हमारा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, और बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स को हम बीट कर सकते हैं। तो इस तरह से अब मैंने आपको निफ्टी इंडेक्स फंड पूरा डिटेल में समझा दिया है, और अब बात आती है कि हम इसमें किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस फंड को आप किसी भी फंड हाउस से ले सकते हैं, चाहे SBI है, UTI है, या किसी प्राइवेट कंपनी से अगर आप लेना चाहते हैं तो उनके पास भी ये ऑप्शन होता है। आप इसमें अच्छे से इन्वेस्ट करके अपने लिए ग्रोथ क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आज के वीडियो आपको मेरे पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।